अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए ये चिकन रेडी करके रख रही हूँ, फ्रीज़ कर रही हूँ इसको, ताकि मैं आगे जो रेसिपीज़ क्रिएट कर सकूँ, मुझे उसमें आसानी हो सके। तो ये मैंने 2 kg बोनलेस ले लिए चिकन, और इसमें 4 tablespoon योगर्ट, और ये 4 tablespoon या 5 tablespoon, ये तकरीबन ये जो मेरा होममेड चिकन टिक्का मसाला है ये मैंने यूज़ किया है इसमें, और थोड़ा सा जर्दे का कलर मैंने यूज़ किया है। जर्दे के कलर को मैंने दही में मिला के इस तरह से, और वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जर्दे का कलर, और दही है ये, फेंट लिया था मैंने इसको, और मसाला ये मैंने यूज़ कर लिया है जो मेरा होममेड है। आप इसको चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी पूरी मौजूद है। तो ये मैं एक साथ बना के रख लूँगी सारा, ये देखिए, इसे को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। सब मैंने इसमें डाल लिया है, इसको बहुत अच्छे से मैं मिक्स करके, और इसको मैं अपने मिनी फ्रीज़र में रख दूँगी जो नीचे होता है, ताकि मुझे आसानी रहे। आप जो मेन फ्रीज़र होता है, जो ऊपर वाला फ्रीज़र होता है, उसमें भी रख सकते हैं, और इसके पैकेट बना लें आप, और जब भी दिल चाहे ये निकालें पास्ता के लिए, या तर्किश चिकन, डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ होता है ये चिकन, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत जल्दी मैरिनेट भी हो जाता है। इसमें तकरीबन 5 चम्मच मैंने भर के टेबल स्पून अपने जो होममेड चिकन टिक्का मसाला है, आप ये यूज़ करना चाहें तो ये यूज़ कर लें, वरना जो रेडीमेड चिकन टिक्का मसाला होता है वो यूज़ कर लें। इसके अलावा दही डाली है इसमें मैंने, थोड़ा सा सिरका डाला है, और जर्दे का कलर डाला है, और ऑयल थोड़ा सा, 2 या 3 tablespoon ऑयल आप इसमें यूज़ कर लें, और इसको और अच्छे से मिक्स करके हम रख लेंगे। ये देखें, ये इसको मैं पैक करके और रख लूँगी। अब मैं ये ज़िपर्स ले लिए मैंने, मैं इसमें ये पैक करके रख दूँगी कुछ इस तरह से। मैं तकरीबन अपनी फैमिली के हिसाब से, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से इसको फ्रीज़ कर दूँगी। इसमें मैं डाल के और ये रख दूँगी एक रेसिपी के हिसाब से, और ये हमारा पैक हो गया पैक। अब इसको मैं ज़िपर लॉक करके और मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी, और डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे आगे। व्यूअर्स ये देखें, इसके 5 पैकेट तैयार हुए हैं, 4 ये मैंने इसमें फ्रीज़ कर लूँगी, और एक जो पैक है वो मैं अभी रेडी करने वाली हूँ, तो उसको मैंने पैक नहीं किया। तो आप ये इस तरह से करके अपने घर में फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बहुत आसानी हो जाती है डेली बेसिस पे चीज़ें बनाने के लिए। तो आप ऐसा करें, और फिर जो इंशाल्लाह मैं आने वाली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको भी यकीनन बहुत ही आसानी हो जाएगी इस तरह आप करके रख लेंगे। तो ये तकरीबन आधा किलो का एक पैकेट बना है, अब इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इसको आप तकरीबन 2 months या 3 months के लिए स्टोर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूँ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू सो मच।